उनको खत्म करने का लगातार प्रयास सरकार के द्वारा, चाहे जिस भी पार्टी की सरकार हो, वो लगातार रहा है। इसी के क्रम में आप देखिएगा, पिछले दिनों जो वहां पे जमीन की कानूने हैं, CNT SPT एक्ट, उसमें बड़े बड़े स्तर पर छेड़छाड़ करने का कोशिश सरकार के द्वारा किया गया। उसी के बरक्स में अभी हाल में जमीन अधिग्रहण कानून आया है, जिसमें कहता है कि रैयतों की मंजूरी की जरूरत नहीं है, सरकार जब चाहे जिस भी तरीके से चाहे आदिवासियों मूलवासियों का जमीन बड़े बड़े कॉरपोरेट के लिए छीन लिए जाएंगे। और उसी के क्रम में रघुवर दास बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े कंपनियों के सम्मेलन कराते हैं रांची के अंदर, और कहता है कि रांची के आसपास जितने मिनरल्स, जितने माइंस हैं, उनको बड़े बड़े कंपनियों को दिया जाएगा। और इसी के खिलाफ जो आदिवासियों का, मूलवासियों का, झारखंड और झारखंड के बाहर भी पत्थलगड़ी की एक परंपरा रही है कि हम अपनी बात, अपना मैसेज, अपना रेजिस्टेंस, अपना प्रतिरोध पत्थल में लिख करके गांव के बाहर लगाते हैं, या आदिवासियों की, मूलवासियों की झारखंड के अंदर एक लंबी और पुरानी परंपरा रही है। इसी के खिलाफ खूंटी के आसपास में, चाईबासा में, दुमका में लगातार प्रतिरोध दर्ज हुआ और ग्रामीणों ने पत्थलगड़ी किया। और इसी क्रम में जल जंगल जमीन बचाने के सवाल पर झारखंड का जो बुद्धिजीवी तबका है, जो लोग फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, उन लोगों ने विरोध के स्वर पे लिखना शुरू किया सरकार के खिलाफ, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ लिखना शुरू किया। और इसके एवज में सरकार को जहां चाहिए था कि आदिवासियों, मूलवासियों के साथ डायलॉग करे, बातचीत करे, एक रास्ता निकाले, एक समाधान निकाले, लेकिन ये नहीं करते हुए झारखंड के अंदर 20 सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर सेडिशन का मुकदमा दायर कर दिया जाता है, देशद्रोह का FIR दर्ज किया कर दिया जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड के अंदर इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। झारखंड के अंदर एक ऐसा स्टेट है जहां पर बकरी चराने वाले के ऊपर भी देशद्रोह का चार्ज लगाया गया। झारखंड के अंदर ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम पर, जल जंगल जमीन लूटने के नाम पर सरकारें आदिवासियों को, मूलवासियों को जेल के अंदर ठेलने का काम किया है। वहां के अंदर जेल का अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे तो बड़ी तादाद में आदिवासी, बड़ी तादाद में मुसलमान और बड़ी तादाद में वहां के मूलवासी शामिल है। उनका गुनाह क्या है? अधिकतर जो केसेस है वो जमीन का सवाल है, वहां पे जंगल को लेकर के सवाल है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लेकर के सवाल है। जेल के अंदर एक बड़ा तबका जो फॉरेस्टर वहां पे है, जो रेंजर है, फर्जी मुकदमा दायर करके वहां के आदिवासियों को जेल के अंदर डालने का काम पिछले कई सालों से किया जा रहा है। और इसके खिलाफ झारखंड के अंदर लगातार आंदोलन चला है। CNT SPT अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया तो पूरा झारखंड में उबाल हुआ, पूरा झारखंड में आंदोलन हुआ, और कुछ देर के लिए सरकार और वहां के गवर्नर उसको ठंडे बस्ते में डाल देता है। लेकिन उसके बाद झारखंड के अंदर भूमि अधिग्रहण बिल आता है, जिसमें वहां के रैयतों को उसकी सहमति और असहमति का कोई मंजूरी लेने की दरकार सरकार नहीं समझता है। आपको पता होना चाहिए कि वहां पर जमीन की कानून है, CNT SPT एक्ट के तहत ही वहां पर आज के डेट में अगर थोड़ा बहुत भी आदिवासियों के पास जमीन बचा है तो इस कानून के वजह से बचा है। आदिवासी इस देश का पहला लड़ाका रहा है जो अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए 1760 से लेकर आज तक अपने आजादी के लिए लड़ रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ इस देश की आजादी में बराबर का भागीदार होते हुए आदिवासियों ने अपना शहादत दिया। चाहे संविधान बनाने में आदिवासियों का कंट्रीब्यूशन हो, जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोग संविधान को और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाने के लिए बाबा साहब को लगातार कंधे में कंधे मिलाकर मदद करता रहा, तमाम कॉन्ट्राडिक्शन के बावजूद। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज का जो प्रोटेस्ट है, कल रांची में प्रोटेस्ट है और झारखंड के अंदर लगातार इस सेडिशन के सवाल पर लगातार प्रोटेस्ट जारी है, और झारखंड के अंदर फिर एक ऐसा माहौल बन रहा है कि झारखंड के आदिवासियों के ऊपर अगर दमन होता है तो झारखंड की स्थिति लगातार बिगड़ेगी, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ BJP सरकार, रघुवर दास की सरकार जिम्मेदार होगा। और उसी आवाज को, झारखंड के अंदर की आवाज को हम लोग साथ देते हुए
हम लोग बुलंद करते हुए दिल्ली के अंदर जो भी तरक्की पसंद अमन पसंद लोग हैं उनके साथ मिलकर के हम अपनी आवाज को झारखंड के जनता के साथ अपनी आवाज को मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में तमाम सारे संगठन के लोग इंडिविजुअल्स दिल्ली के अंदर बाहर काम करने वाले एक्टिविस्ट आप तमाम लोग आए हैं, एक कंसर्न के साथ आए हैं झारखंड के अंदर। जब वहां पे नाइन्थ शेड्यूल कमेटी का रिपोर्ट आता है और वो कहता है कि एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन 50% से बढ़ाकर 73% करना चाहिए, तब सरकार उस पर चुप्पी साध लेता है। अभी आपने देखा होगा कि मोदी सरकार ओबीसी को लुभाने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है, सही बात है, लेकिन ठीक वहीं पर झारखंड के अंदर अभी लेक्चरशिप की वैकेंसी आई है और अगर ओबीसी का कोटा देखिएगा तो लगभग 0 से 2% के बराबर या उससे भी कम है। लोअर ओबीसी का कोटा तो आया ही नहीं है एक तरह से मान लीजिए। तो ये एक तरफ ओबीसी को लुभाने का काम और दूसरे तरफ ओबीसी को ओबीसी का जो राइट्स है ओबीसी का जो हक है उससे बेदखल करने का काम ये मौजूदा सरकार झारखंड के अंदर और देश के अंदर कर रही है। और ये इसलिए ये बात आज ज्यादा मौजूद है क्योंकि आज ही के दिन देश के अंदर मंडल कमीशन लागू हुआ था। पूरे देश के अंदर मंडल कमीशन के रिपोर्ट को आज के दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है और उस सेलिब्रेशन में हमारा आंदोलन, हमारा लड़ाई आदिवासियों के पक्ष के लिए, माइनॉरिटी के पक्ष में, दलितों के पक्ष में, ये हमारा आंदोलन इस मंडल कमीशन के रिपोर्ट के आने का एक सेलिब्रेशन ही हम लोग मानते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज में आंदोलन भी एक सेलिब्रेशन होता है, लड़ाई भी एक सेलिब्रेशन होता है। और इस सेलिब्रेशन के साथ इस उलगुलान को, इस हुल आंदोलन को नए तरीके से, नए तेवर के साथ अपने चल जंगल जमीन हक हकूक मान सम्मान को बचाने के लिए इस लड़ाई को लड़ते हुए तमाम 20 लोगों के ऊपर जो सेडिशन का चार्ज लगा है उनको वापस करा के ही यह आंदोलन, यह कारवां रुकेगा। दिल्ली के अंदर हो सकता है कम प्रोटेस्ट हो लेकिन झारखंड के अंदर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आने वाले समय में प्रोटेस्ट होंगे और इसका खामियाजा 2019 के चुनाव में भाजपा के सरकार को झारखंड के अंदर भुगतना होगा। क्योंकि लगातार जो जमीन का सवाल है, जो महिलाओं का हक हकूक मान सम्मान का सवाल है, झारखंड के अंदर लगातार मॉब लिंचिंग का सवाल है, मुसलमानों को मारने का सवाल है और वहीं पे बीजेपी का सांसद, बीजेपी का विधायक खुलकर मॉब लिंचिंग करने वाले के साथ फोटो खिंचाता है, डालता है, उनके साथ खड़ा होता है, ऐसा सरकार, ऐसा स्टेट हमारा झारखंड स्टेट का कभी ये करेक्टर नहीं रहा है। और लगातार बीजेपी और आरएसएस झारखंड के करेक्टर को बदलने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि जमीन के सवाल पर झारखंड के अंदर देखिएगा आदिवासी, मुसलमान, ओबीसी, दलित सारे एक साथ खड़ा होकर के जमीन को बचाने के लिए लड़ा है और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इसी क्रम में जो 20 लोगों के ऊपर सेडिशन लगा है उसमें से मुक्ति तिर्की जी हैं जो पैसे से पत्रकार हैं, हम चाहते हैं आप आए और अपने अनुभव को बताएं। हाँ, मैं से दो लोगों के लिए बुलावा है, अंदर चले मेरे जेएनयू के बहादुर साथियों, मुझे बहुत फख्र है कि मैं आप लोगों के बीच हूँ और आप लोगों को संबोधित करने का, आपके साथ नारे लगाने का और सरकार की गलत नीतियों के बारे में आंदोलन करने का मौका मुझे यहाँ दिल्ली में मिला। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना, उन 20 आदमियों में से एक मैं भी देशद्रोही हूँ जो कि 5वीं अनुसूची के लिए बराबर मांग करता हूँ अपने अखबार के जरिए। दलित आदिवासी मीडिया हमारी अखबार है, उसे 17 साल से हम लोग अखबार के जरिए आदिवासियों को आंदोलित कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए, आदिवासियों को जागृत कर रहे हैं, सारे देश के आदिवासियों को एकत्रित कर रहे हैं कि वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो उनको अधिकार मिले हैं उस अधिकार को लागू करने के लिए जिंदाबाद करें, इनकलाब करें, आंदोलन करें। इसी क्रम में अभी आंदोलन मध्य प्रदेश में गैस संस्था है, उस संस्था के साथ विराट रैली किया जो अभी भी चल रहा है, हजारों हजार आदिवासी रैली में शामिल होकर के मांग कर रहे हैं
पांचवी अनुसूचित लागू करो। अब पांचवी अनुसूचित संविधान की अनुसूची है, उसको कोई हमने आदिवासियों ने या आपने नहीं बनाया। संविधान का कसम खाकर शपथ लेते हैं तो मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, संसद बनते, सांसद बनते हैं या विधायक बनते हैं या बड़े अधिकारी या दस, सारे संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति अपना सम्मान जताते हैं। लेकिन संविधान का सम्मान तो ये खुद नहीं कर रहे हैं, और हम संविधान की बात कर रहे हैं तो हमें देशद्रोही घोषित कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? आप लोग सारे विद्वान युवा वर्ग के लोग हो, आप लोग जानते हो संविधान क्या है, न्याय क्या है, अदालत क्या होती है। यहाँ पर तो अदालत को भी नकारा जा रहा है, संविधान को भी नकारा जा रहा है, और जो इस संविधान को लागू करने की मांग कर रहे हैं उनको जेल में बंद किया जा रहा है, उनको नक्सल कह के माओवादी कह के बंद किया जा रहा है, उनके खिलाफ इस तरह अत्याचार और दमन हो रहा है जिससे कि डर जाए आम जनता, और डर के मारे आदिवासी समाज और झारखंड के समाज तो मूलतः सीधे हैं, सरल हैं, इतना कानून ज्ञान नहीं है, इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, होने के कारण सरकार और पुलिस और ये सब देशद्रोह के नाम से डरना लाजमी है। इस तरह डरा कर ये सरकार हम लोग पर शासन कर रही है, वैसे शासकों को उखाड़ फेंकना होगा। और आप लोग के जरिए हम आह्वान करते हैं कि जितना युवा वर्ग, जितने शिक्षित युवा वर्ग हैं, वो इन आदिवासियों का साथ दें, इनको जागरूक करने के लिए और इनके अधिकार इन्हें दिलाने के लिए। पांचवी अनुसूची की बात जहाँ तक हम कहते हैं, ये पत्थलगड़ी क्या है? पत्थलगड़ी असल में पत्थलगड़ी का काम तो सरकार को खुद करना चाहिए था। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आप जानते हैं अधिसूचित क्षेत्र होता है, अधिसूचित क्षेत्र में सामान्य कानून लागू नहीं होते, वहाँ पर ग्राम सभा का कानून लागू होता है। सामान्य कानून से यह अधिसूचित क्षेत्र बिल्कुल अलग है। तो जिस तरह सरकार प्रत्येक थाना का क्षेत्र निर्धारित करती है कि फलाना थाना का क्षेत्र यहाँ से आरंभ, फलाने जिला का क्षेत्र यहाँ से आरंभ और यहाँ पर अंत, उसी तरह अधिसूचित क्षेत्र का और ग्राम सभा के क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र पत्थलगड़ी द्वारा सरकार को खुद पत्थलगड़ी करने का काम करना चाहिए था, सरकार ने नहीं किया। जब लोग ग्राम सभा के लोग, वहाँ के जो आदिवासी हैं, ग्रामवासी हैं, वहाँ के लोग अपने अधिकार का पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अधिकार के अंदर अपना इलाका का सीमा रेखा तय कर रहे हैं, तो उस सीमा रेखा तय करने वाले देशद्रोही हो गए, सीमा रेखा तय करने वाले आंदोलनकारी हो गए। जबकि हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, किसी भी जमीन के अंतर्गत जब जमीन खरीदी जाती है या कहीं भी एक कट्ठा हो, दस कट्ठा हो, तो वहाँ पर एग्रीमेंट जो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री में लिखा रहता है कि दक्षिण की ओर फलाना रोड, पूर्व की ओर ये नदी, पश्चिम की ओर फलाने का प्लॉट, या इस ढंग से सीमा रेखा तय किया जाता है। तो वही सीमा रेखा तय करने के लिए हम लोग पत्थलगड़ी कर रहे हैं, ग्राम सभा की सीमा रेखा, पांचवी शेड्यूल के अंदर अधिसूचित क्षेत्र की सीमा रेखा। तो हमारा दोष क्या है? लेकिन ये सरकार हमें दोषी घोषित करना चाहती है, ये सरकार हर क्षेत्र हमारी जमीन लूटना चाहती है, हमारे जमीन के अंदर छिपे हुए खजाने लूटना चाहती है, हमारा रिजर्वेशन लूटना चाहती है, और हमें उस जमीन के मालिक के बजाय भिखारी बना देना चाहती है, बंधु और मजदूर बना देना चाहती है। आज से नहीं, झारखंड में तो ये बहुत पुराना जमाने से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। वहाँ के मजदूर बंधुआ मजदूर की तरह बना करके असम के चाय बागान में ले जाए गए, डुअर्स तराई के पश्चिम बंगाल के चाय बागान में ले जाए गए। वहाँ उनको सरकारी मिनिमम वेजेस से भी कम 150 रुपया प्रतिदिन का हाजिरा मिलता है, और वह बंधुआ मजदूर की तरह रहते हैं। ना उनका अपना कोई ज़मीन है, ना अपना कोई क्वार्टर है, बिल्कुल उस कंपनी के अंतर्गत जहाँ काम कर रहे हैं उसके बंधुआ मजदूर हैं और सरकार के बंधुआ मजदूर। अभी तक भी उसका कोई फैसला नहीं हुआ, 70 साल गुजर गए, तीसरी पीढ़ी का जन्म हो चुका आज़ादी के बाद, लेकिन हम आदिवासियों ने आज तक आज़ादी का मज़ा, इस संविधान का आनंद और इस संविधान का जो हमारे लिए सुविधा दी गई है संविधान निर्माताओं ने, भारत सरकार ने, भारत की संसद ने, उस संविधान का फायदा हमें आज तक नहीं मिल पाया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और आदिवासी समाज आप लोग का ये उपकार कभी नहीं भूलेगा, हमारा समाज आप लोग को
धन्यवाद। जरा ये खोल दीजिए।